आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा तृतीया विषय हिंदी आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। पाठ 6 आदमी का धर्म। हमने अब तक पढ़ा कि एक धनी आदमी अपने घर पर समाचार पत्र पढ़ रहा होता है, उसी समय एक बालक उसके पास पहुंचता है और उनसे 5 रुपये मांगता है। वह कहता है कि उसकी बीमार माँ के लिए उसको दवा खरीदनी है। जब आदमी उसकी जाति और उसके धर्म के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि मांगने वाले का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जब उसका नाम पूछता है तो बालक अपना नाम भारत सिंह बताता है। भारत का निवासी होने के कारण अपना नाम भारत बताता है तथा सिंह उस अपने राष्ट्र के निशानी को बताते हुए भारत सिंह पूरा नाम। जब आदमी पूछता है कि जब उसको भारत से इतना प्रेम है तो वह उसके पास ही रुपये मांगने क्यों आया, तब बालक कहता है कि आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपये मांगने का मैं साहस कर रहा हूँ। और दोनों की वार्ता के बीच में बालक आदमी को विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि जब माँ स्वस्थ हो जाएगी तब वह रुपये उसको लौटा देंगे। अपने पिताजी के बारे में बालक कहता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। पाठ 6 आदमी का धर्म। इसमें बालक और आदमी के बीच में आगे क्या संवाद होता है, आइए पढ़ते हैं। आदमी का धर्म। आदमी, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक, अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। आदमी रुपये निकाल कर देता हुआ, अच्छा ये लो 5 रुपये, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। बालक, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा, विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। आदमी, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं। बालक, बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा। आदमी, मैं अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। बालक, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। आदमी, बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना, सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं, ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। इस प्रकार पाठ 6 आदमी का धर्म पाठ में हमने पढ़ा कि एक बालक अपनी बीमार माँ की दवा के लिए एक धनी आदमी के पास में पैसे मांगने के लिए जाता है और वहाँ पर वह जो उससे बातचीत करता है उससे उसके गुणों का प्रकटीकरण होता है। वह अपने आप को भारत का निवासी होने के कारण भारत और सिंह अपनी देश की पहचान ऐसा कहते हुए अपना नाम भारत सिंह बताता है। उस धनी आदमी को अपने पिता के समान मानते हुए बात करता है और वह बालक बताता है कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अनाथ नहीं है क्योंकि उसकी माताजी उसे पालती हैं। जब आदमी उसको 5 रुपये देता है और देते हुए कहता है कि अब इन्हें लौटाने मत आना, तब वह कहता है कि विश्वास ही की रक्षा करना ही मेरा धर्म है, इसलिए माँ के ठीक होते ही वह पैसे वापस लौटा देने का विश्वास दिलाता है। और वह कहता है कि वह मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता है, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा। आदमी यह भी कहता है कि सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, यही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं, ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। ऐसी शुभकामना के साथ आदमी बालक को अब उसकी माँ के पास भेजता है। हमें भी इस पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सत्य, सेवा जैसे
नैतिक गुणों को अपना धर्म मानना चाहिए। पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ, लौटाना, वापिस करना, अनाथ जिसके माता पिता मर चुके हो, आवश्यकता, जरूरत, मुँहफट, अधिक बोलने वाला, सहज, आसानी से, कर्तव्य पालन, दायित्व निभाना, पुत्र, बेटा। मुख्य अभ्यास प्रश्न, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? अलक ने ऐसा इसलिए कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है क्योंकि बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? बालक को उसको गुरुजी ने सिखाया था कि कर्तव्य पालन, सत्य, प्रेम, ईमानदारी, दया और सेवा ही मनुष्य का धर्म होता है। आदमी ने अंत में क्या कहा? धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुम अपनी माँ का इलाज कराओ। मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ को पढ़कर तथा ऊपर के मुख्य बिंदु को देखते हुए स्वयं कीजिए। एक नगर में एक खाली स्थान रहता था, अर्थात कौन रहता था, ऊपर से देख के लिखना है। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ रिक्त स्थान पढ़ रहा था। तो क्या तुम एक रिक्त स्थान बालक हो? मैं मनुष्य के गुणों को ही रिक्त स्थान मानता हूँ। रिक्त स्थान के स्थान पर आपको ऊपर के जो बिंदु दिए हुए हैं उसको देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।